नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार, समाज में रोपे संस्कार, राजनीति को छोड़ा, समाज को जोड़ा, जगाई देश की भक्ति, संघ बना शक्ति। परम पूज्य आद्य सर संचालक डॉक्टर केशव राव बलिराम हेडगेवार के व्यक्तित्व को समझने में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हमारी मदद कर सकते हैं। अटल जी डॉक्टर हेडगेवार के बारे में कहते हैं, पथ पर चलते चलते ही वह राह बन गया, तिल तिल कर जलते जलते ही दाह बन गया। वह कैसा था भक्त, स्वयं भगवान बन गया, कुंभकार की कृति होकर निर्माण बन गया। राजनीति में उनका कद कितना बड़ा हो चुका था, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि यरवदा जेल से रिहा होने पर उनका स्वागत करने खुद मोतीलाल नेहरू पहुंचे थे। 1910 में जब डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए कोलकाता गए तो उस समय वहां देश की नामी क्रांतिकारी संस्था अनुशीलन समिति से जुड़ गए। 1915 में नागपुर लौटने पर वह कांग्रेस में सक्रिय हो गए और कुछ समय में विदर्भ कांग्रेस के प्रांत के प्रमुख नेताओं में से एक हो गए। 1920 में जब नागपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ तो उस अधिवेशन में पारित करने हेतु कांग्रेस की प्रस्ताव समिति के सामने डॉक्टर हेडगेवार ने एक प्रस्ताव का सुझाव रखा था कि कांग्रेस का उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्र कर भारतीय गणतंत्र की स्थापना करना और उपनिवेशवाद के चंगुल से मुक्त करना होना चाहिए। इस सुझाव को उस समय के कांग्रेस नेतृत्व ने अस्वीकार कर दिया। 1921 में कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में सत्याग्रह कर गिरफ्तारी दी और उन्हें एक वर्ष की जेल हुई।